आज हम इक्विटी की बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप के साथ, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जी हां, मनीष सोंथालिया साहब जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं, साथ ही हेड ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मोतीलाल ओसवाल एएमसी के हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। टॉपिक हमने जो चुना है वो ये कि किसी शेयर का सही दाम क्या होना चाहिए, प्राइस वर्सेस वैल्यू। तो एक इंग्लिश में कहावत है, मुझे ये तो नहीं पता किसने लिखी थी, लेकिन ये कि प्राइस व्हाट यू पे, वैल्यू व्हाट यू गेट। तो ये इन दोनों के बीच में, प्राइस और वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझाइए। देखिए, जो एक कॉमन आदमी समझता है जिसको वैल्यू अपने बोलते हैं, और ये रोज का जो स्टॉक का प्राइस है जो ऊपर नीचे जाता है, राइट, हम ये समझते हैं कि ये वैल्यू है, राइट। वैल्यू कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो वो भाव, जो भाव में वो कंपनी बिक सकती है, करेक्ट, ठीक है, तो वो वैल्यू हुआ उस दिन का, वो वैल्यू हुआ, पर एक्चुअली वो वैल्यू नहीं है, वो प्राइस है। कि जो रोज का जो डेली मूवमेंट है प्राइस का, उससे वो कंपनी का वैल्यू चेंज होता है। जब हम वैल्यू बोलते हैं तो उसका एक्चुअल मतलब है व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, और व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ दैट कंपनी। वो फेयर वैल्यू का हम लोग वो फेयर को हटा देते हैं और वैल्यू से यूज करते हैं, ठीक है। और जो अपने वैल्यू समझते हैं वो वैल्यू नहीं है, वो प्राइस है, प्राइस है जो ऊपर नीचे रोज होता है और जिस भाव में उस दिन वो कंपनी बिक सकती है। कॉमन मैन तो यही समझेगा ना, राइट, कि मार्केट कैप इज द वैल्यू एट विच यू कैन सेल दैट कंपनी ऑन दैट डे, पर वो सही नहीं है, वो नहीं है, वो प्राइस है। और जो वैल्यू हम वैल्यू बोलते हैं, व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बेसिकली कैलकुलेट बहुत तरीकों से होती है। एक सबसे सिंपल है जो अपने पी मल्टीपल रेशियो बोलते हैं। व्हाट इज अ पी मल्टीपल रेशियो? पी मल्टीपल रेशियो है कि एक साल में एक कंपनी एक मुनाफा कमाती है, राइट, वो कितने सालों में वो मुनाफा जो है टोटल जो मार्केट कैप वो कंपनी का है वो रिकवर हो सकता है, कितने सालों में पे बैक पीरियड। तो समझिए कोई स्टॉक 25 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, 25 साल के मुनाफे में वो पूरा कंपनी का वैल्यू रियलाइज होगा, राइट। बट जो एक थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड मेथड जो हम फॉलो करते हैं वो है डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। मतलब एक कंपनी की लेट्स से लॉन्जिविटी, मतलब 25 साल होगी, तो मोटा मोटी 25 साल में वो कंपनी कितना कैश फ्लो कमाएगा, ठीक है। कैश फ्लो एक फंक्शन है प्रॉफिट का, राइट, प्रॉफिट में मुनाफा करेगी तो कैश आएगा, मतलब प्रॉफिट में आप डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और नॉन कैश चार्ज ऐड करेंगे तो कैश फ्लो आएगा। उसके बाद आप केपेक्स करेंगे क्योंकि बिजनेस चला रहे हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। जो फ्री कैश फ्लो है वो 25 साल तक कितना होगा वो कंपनी का, ये हुआ आपका न्यूमरेटर, राइट। डिनोमिनेटर क्या है? वो जो टोटल अमाउंट है उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आने। तो एक ब्याज का दर है, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है डीसीएफ में एस्टिमेट करना। सही बात है, क्या? क्योंकि 25 साल के इंटरेस्ट रेट को आपको एस्टिमेट करना, करेक्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू एक कंपनी का वो है। और अच्छा, एक चीज जो आपसे समझ में आई मुझे ये कि भाव बदलता रहता है जी, यानी कि प्राइस जी, वैल्यू हर वक्त नहीं बदलती जी, हर एक सेकंड वैल्यू नहीं बदलती जी। तो एज ए फंड मैनेजर जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप ये पहले निकालते कि इस कंपनी की वैल्यू मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए। अब जो वैल्यू है और भाव अगर उससे सस्ता है तो ही आप खरीदते हैं, बिल्कुल, ये फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए, बहुत सिंपल वे में आपको समझाता हूं, इन्वेस्टिंग क्या है, कुछ नहीं है, कॉमन लॉजिक है। इन्वेस्टिंग करने के लिए तीन चीज चाहिए, ओके, एक विजन, राइट, दूसरा करेज, हिम्मत, तीसरा पेशेंस, ठीक है ना। अगर आप विजन को लें तो दिखता क्या है, सिर्फ नेक्स्ट 2 साल दिखता है, और अपने को क्या करना है, 25 साल का कैश फ्लो एस्टिमेट करना है, करेक्ट, एक दूरदर्शिता होनी चाहिए, राइट, विजन। अगर आपके पास वो विजन आ गया तो हिम्मत जुटानी होगी, हाँ, कि भाई मैं 5-25 साल के लिए, आज की डेट में जब पूरे दुनिया में पैनिक है, हाँ, आपके पास हिम्मत है क्या लेने की, अगर आपके पास पैसा भी है तो, करेक्ट। और अगर विजन और करेज दोनों आ गया तो पेशेंस जरूरी है, कि अगर आपने, आप सपोज कर लीजिए सही हो गए, ले लिया 20% 15% नीचे आ गया तो हिल जाएंगे, हिल जाते हैं क्या, तो ये जो जो पेशेंस है ना इज अ फंक्शन ऑफ विजन, करेक्ट, एंड विजन इज बेसिकली क्या दिखता है
और क्या नहीं दिखता है. जो नहीं दिखता है जिसको हम टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं वही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में और डेली स्टॉक प्राइस मूवमेंट. अच्छा मनीष जी, एक बात और कही जाती कि जब हर चीज जी भाव से अच्छी है और भाव से बुरी है जी, मतलब अच्छा से अच्छा स्टॉक भी आपको बहुत महंगे भाव में मिल रहा है तो शायद आप पैसा ना बनाए, खराब से खराब शेयर बहुत सस्ते भाव पे मिल रहा है तो पता नहीं वो खरीद के पैसा बनेगा या नहीं बनेगा. तो भाव से कोई भी चीज अच्छी है या बुरी है ये मैं कैसे पता लगाऊं? एक इन्वेस्टर का एक ही स्टाइल हो सकता है. आप सब स्टाइल एज एन इन्वेस्टर या एज अ फंड मैनेजर नहीं फॉलो कर सकते. अगर आप सोचते हैं कि हर स्टॉक हर एक भाव में वैलिड है उसमें आपके पैसे बन सकते हैं, बट वो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है क्योंकि सोचना तो ह्यूमन के दिमाग को ही है. करेक्ट. एज अ पर्सन आपको ही सोच के करना है. तो कई इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे जो डीप वैल्यू में बिलीव करते हैं, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग, जो सारी दुनिया बेच रही है वो मैं खरीदने की मौके खोजता रहूंगा. कई इन्वेस्टर ऐसे हैं सो सिर्फ ग्रोथ देखते हैं, ये कंपनी नेक्स्ट 15-20 साल में कितना ग्रो कर सकेगी और आज की डेट में वो प्राइस में कितना ग्रोथ फैक्टर है, तो वहां उसको अपॉर्चुनिटी दिखता है. कोई नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पर वैल्यू करते हैं, ये कंपनी के बैलेंस शीट में इतने एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज है, जो डिफरेंस है वो वैल्यू है. Correct. तो एक इन्वेस्टर सिर्फ एक ही स्टाइल फॉलो कर सकते हैं. हम लोग ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं. अच्छा. हम सिर्फ ग्रोथ इन्वेस्टर, हम कोई डीप वैल्यू कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग करने में विश्वास नहीं करते. अच्छा. हाँ, कि 10 रुपए की चीज है की वाल चवन्नी में मिल रहा है वो नहीं. नहीं. अच्छा. क्योंकि वो चवन्नी अगर जीरो हो गया तो मेरे पास तो पब्लिक का पैसा है. करेक्ट. ये सब जो इन्वेस्टिंग है जवाब अपने पैसे से कर सकते हैं. जी जी जी. पर अगर आप पब्लिक का पैसा मैनेज कर रहे हैं तो हम एक ही स्टाइल फॉलो करते हैं, वो ग्रोथ स्टाइल. ओके. कोई डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं, सस्ता खरीदना है ऐसा कोई जरूरी नहीं. राइट. हमको ये देखना है कि नेक्स्ट 5-10-15 साल में ये कंपनी कितना पैसा बनाएगी और कितना पैसा जो है वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्टेड है. अगर वहां पर कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी. अगर हम अपने ग्रोथ में राइट हो गए प्रोजेक्शंस, जैसे हम बिलीव करते हैं कि हम जो भी कंपनी खरीदेंगे वो नेक्स्ट 3 या 4 साल में अपना प्रॉफिट डबल करना चाहिए, कि 18-24-25% का प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए. ठीक है. और वो कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है ना नेक्स्ट विजिबल एटलीस्ट 10 साल तो होनी चाहिए. अच्छा, ये 10 साल वाली प्रोसेस में 10 साल में 40 तिमाही आ गई, 40 क्वार्टर. इस 40 क्वार्टर की यात्रा में 3-4 क्वार्टर, 6-8 क्वार्टर ऐसे भी होंगे जहां अचानक से कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे. हमने तो सोचा था कि कंपनी 20% से ग्रो करेगी, अचानक से ग्रोथ नहीं आ रही या 2-4% आ रही या 1-2 क्वार्टर में नेगेटिव आ गई, वहां फिर मन भटकता नहीं. सो वही बात है, विजन, करेज, पेशेंस. जो तो करेज है ना इसमें होल्ड भी आता है. कि जब दुनिया आपके सामने उलट रही है, आपका जब कॉन्फिडेंस हिल रहा है तो कितना करेज है और इतना कन्विक्शन है वो होल्ड करने का. क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस जो है तोल मोल के बोल जितना उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है वही रिफ्लेक्ट करेगा. शॉर्ट टर्म में ये मार्केट का नियम है कि आपको हिला डालेगा, कन्विक्शन आपका शेक कर देगा. जो वो कन्विक्शन पर अपने टिके रहे, जो वो जो जिसको हम स्टॉर्म बोलते हैं, आज के टाइम में देख लीजिए सब कुछ उलट रही है. 23 मई के बाद हो सकता है सब कुछ डिफरेंट हो जाए. इंडिया के मार्केट्स में क्या है, जब लेना होता है तो सबको लेना होता है, बेचना होता है तो सबको बेचना होता है. ऐसा ही है. बट इसको ना तो आप चेंज कर सकते हैं ना मैं चेंज कर सकता हूं. तो ऐसे ही दुनिया चलती है. आप वो अलग माइंडसेट कैसे रखते हैं, मैं वो समझना चाहता हूं. क्योंकि हर वक्त है ना वही वाली बात है कि 11,000 की निफ्टी पे सबको 10,000 लगता है और 11,800 पे सबके 13,000 दिखता है. तो ये इस समय फिर आप वो माइंडसेट कैसे रखते हैं जो एक रिटेल इन्वेस्टर की होती है उससे अलग करके, कि हमें कॉन्फिडेंस के साथ टिके रहना है, बने रहना है. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एक्सपीरियंस. आप कितने दिनों से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं. ओके. कोई एक नया इन्वेस्टर अगर 1-2 साल आता है तो उसको तो मार्केट हिला के, यू नो, दे हैव एवरी रीजन टू थ्रो दैट इन्वेस्टर आउट ऑफ द मार्केट. वो एक नियम है मार्केट का. तो आप कितना एक्सपीरियंस है आपका इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, इक्विटीज में, इंडिया में,
और कितने साइकिल्स आपने देखे हैं उस पर डिपेंड करेगा आप अपने कन्विक्शन पर टिके हैं कि आप अपने कन्विक्शन से हिल जाए। और इसमें एक बात और भी है कि जितने भी सीजन इन्वेस्टर हो वो ये मान लीजिए कि 10 स्टॉक में अगर 6 या 7 स्टॉक में भी राइट हो गए ना, काम हो गया। 2 या 3 में तो रॉन्ग होना ही है। हाँ, वो गलती को कितनी जल्दी सुधार सके। अच्छा, अभी जिस तरह से खास तौर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो बहुत गिरे हुए हैं, चलिए दिग्गज तो फिर भी इतने खराब नहीं है, निफ्टी विफ्टी के वैल्यूएशन भी ठीक होंगे, तो बहुत वैल्यू है निफ्टी सेंसेक्स के बाहर? 110%। अच्छा, मेरा तो यही मानना है कि आज की डेट में बहुत ज्यादा वैल्यू वो 10-12 स्टॉक्स जो आपको निफ्टी या सेंसेक्स का जो प्रोजेक्शन दिखा रहे उसके बाहर है, क्योंकि ये जो इंसॉल्वेंसी और जो बैंक्रप्सी कोड हमारे सिस्टम में आया है ना, आईबीसी जिसको हम बोलते हैं, और जो प्रेशर है बैंकों पर कि भाई पैसा वापस लेके आओ, इसमें कई फ्रेंचाइजेज जो है आपको ऐसे सस्ते भाव में मिल रहे हैं। करेक्ट, तो उसमें क्या है, पैसे होते हुए भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो करेज फैक्टर जो है ना वो हिल जाता है। सही है, और जो वो हिम्मत जुटा के वो ले सकता है या पहले बात तो देख सकता है, ले सकता है, ऐसा वही बनाएगा। तो फिर ये तो जब आपके लिए मुश्किल काम है तो जाहिर सी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो और भी मुश्किल होगा। तो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है कि फिर वो अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाए, म्यूचुअल फंड में, और वो भी चुनाव के नतीजों के पहले ही लगाए? मेरा तो यही मानना है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक सरकार आई और दूसरी सरकार नहीं। अगर करंट सरकार आती है तब तो तेजी है, उसमें तो कोई नो ब्रेनर है। अगर दूसरी सरकार आती है तो बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएगी, फिर से इलेक्शन होने की पूरे संभावना। तो कहने का ये मतलब है कि ये सब चीजें को अपने थोड़ा सा फियर फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दूर रख साइड करते हैं। मेरा ये कहने का है अगर आप एक बिजनेस जो अनलेवरेज्ड है, मतलब अगर आपके पास बुक वो बिजनेस में बहुत ज्यादा डेट नहीं है और रनिंग बिजनेस है, बहुत ज्यादा सिक्लिकलिटी नहीं है, उसको अगर आप फियर पीरियड जैसे कि आज के डेट के माहौल में है लेते हैं और थोड़े समय तक वेट करते हैं, मेरे हिसाब से इंडिया में अगर आप कंजम्पशन या सेविंग्स जो 3 पिलर्स हैं इकोनॉमी के, कंजम्पशन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन या सेविंग्स में अगर आपको चीज महंगी लगती है तो इंडिया में इन्वेस्टिंग का कोई केस नहीं है। अच्छा, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में ही वैल्यू दिखता है तो कहने का यह मतलब है कि वो बिजनेस जो है ना बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है, क्योंकि अपनी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत हाई है, ज्यादा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तभी बन, और वो रिटर्न फ्रॉम दोज बिजनेसेस बहुत नीचे है। तो ये सब क्या है, टैक्टिकल प्लेज है, एक भाव में लीजिए दूसरे भाव में बेच दीजिए, ये सब एवरलास्टिंग स्टोरीज नहीं है। पर कंजम्पशन जो है इंडिया में 58 करोड़ मिडिल क्लास 2020 में होने वाले हैं, हम 130 करोड़ जनता है, हमारी सिर्फ $2,000 पर कैपिटा इनकम है, हमें तो, एंड दिस इज अ कंट्री विच इज एस्पायरिंग टू अर्न एंड स्पेंड, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई भी सरकार आए क्या फर्क पड़ता है। और जो कंज्यूमर फ्रेंचाइजेस 20-25-30-50 साल से है उनको हिलाना इतना आसान काम नहीं है, और ये जो पैसा बनाती है वो जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स है जिसको हम फ्री कैश फ्लो बोलते हैं जी, उसका वैल्यूएशन हमेशा जनरल मार्केट से ऊपर रहेगा। ओके, ये है स्टोरी इंडिया की। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा हुई मनीष सोंथालिया साहब के साथ, और उनका ये कहना है कि भले हर सेकंड बदलते हुए दिखे लेकिन कंपनी का कारोबार और उसकी कीमत या वैल्यू वो हर वक्त नहीं बदलती, और उस लिहाज से आपको कौन से स्टॉक्स, कौन सी कंपनियां अपने वाकई में जो वैल्यू है उससे सस्ती मिल रही है, और इस वक्त वैल्यू है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो बहुत सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। अगर आप खुद चुन सकते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर बेहतर है कि अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप पैसा लगाएं, और वो भी चुनाव से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ देने के लिए और इक्विटी की बात करने के लिए, और इक्विटी की बात में इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट के टॉपिक के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे अगले हफ्ते फिर से। देखिएगा इक्विटी की बात मोतीलाल ओसवाल के साथ। नमस्कार।